हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 6 रेशो और प्रोपोर्शन खत्म कर दिया था। इस क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है परसेंटेज। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, यानी कि 8% का मतलब होगा 100 में से 8, जिसको हम 8/100 भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, ए परसेंट ऑफ बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई 100। बी परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। फ्रैक्शन डेसिमल को परसेंटेज में बदलने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल, 0.35 इज इक्वल टू 35/100 इज इक्वल टू 35/100 मल्टीप्लाई 100, जो कि इक्वल होगा 35% के। परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, 12.5% इज इक्वल टू 12.5/100, जो कि इक्वल होगा 1/8 के। चलिए कुछ रूल्स बताता हूँ। रूल नंबर 1, अगर x को घटाकर x नॉट बना दिया जाए, देन रिड्यूस परसेंट इज इक्वल टू x माइनस x नॉट अपॉन x मल्टीप्लाई 100 होगी। रूल 2, अगर x को बढ़ाकर x1 बना दिया जाए, देन इंक्रीमेंट परसेंटेज इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x मल्टीप्लाई 100। रूल 3, अगर एक अमाउंट को ए परसेंट से इंक्रीज किया जाए, फिर उसको ए परसेंट से ही डिक्रीज किया जाए, तो परसेंटेज में जो चेंज होगा वो इक्वल होगा डिक्रीज ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 100%। रूल 4, अगर एक नंबर को ए परसेंट से इंक्रीज किया जाए और फिर बी परसेंट से डिक्रीज किया जाए, तो परसेंटेज में जो चेंज होगा वो होगा ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100%। नेगेटिव फॉर डिक्रीज एंड पॉजिटिव फॉर इंक्रीज। आई होप आपको परसेंटेज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप PDF से प्रैक्टिस करते रहिए।